इस वीडियो में हम लोग डेट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग नंबर फंक्शंस, कैरेक्टर फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस और कन्वर्जन फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब चलिए हम लोग अलग अलग तरह के डेट फंक्शंस को इस वीडियो में पढ़ते हैं, जैसे एड मंथ्स, लास्ट डे, मंथ्स बिटवीन, नेक्स्ट डे, न्यू टाइम, टू डेट इत्यादि। जो डेट फंक्शंस होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं। इन सभी डेट फंक्शंस को जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको किसी रियल टेबल के साथ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में जो कन्वर्जन फंक्शन जो वीडियो हम लोग देखे थे, उसमें हम लोग टू डेट और टू कैर को रियल टेबल में यूज किए थे। इस वीडियो में हम लोग डुअल टेबल का यूज करेंगे तथा 6 जून 1988 जो कि मेरा अपना डेट ऑफ बर्थ है उसको यूज करेंगे एज ए डेट। सबसे पहला जो डेट फंक्शन है जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, एड मंथ्स, इसमें हम लोग डेट देते हैं और फिर काउंट देते हैं। ये क्या करता है, इस डेट में यहाँ पे जो काउंट देते हैं, जैसे यहाँ पे 5 दे सकते हैं, ये इस डेट में 5 मंथ्स जोड़ देता है। ये काउंट जो होता है वो मंथ्स होता है, नंबर ऑफ मंथ्स। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, सिलेक्ट एड मंथ्स और यहाँ पे 6 जून 1988 में 5 महीना जोड़ रहे हैं हम लोग, डुअल टेबल का यूज कर रहे हैं, तो आउटपुट आ रहा है 6 नवंबर। जून यहाँ पे है और 5 जोड़ने पे नवंबर आएगा, नवंबर 88 जो कि हमको आउटपुट में मिल रहा है। दूसरा जो डेट फंक्शन है वो है लास्ट डे, और यहाँ पे डेट देते हैं। ये क्या करता है, इस मंथ का, यहाँ जो डेट देते हैं उस मंथ का लास्ट डे जो होता है वो बताएगा वो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं 6 जून 1988 और लास्ट डे देख रहे हैं, तो यहाँ बता रहा है कि इस जून में 30 तारीख जो होता है वो लास्ट डे होता है, तो आउटपुट में मिला है 30 जून 1988। उसी तरह यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है डेट फंक्शन का, मंथ्स बिटवीन। यहाँ पे हम लोग डेट 1 और डेट 2 देते हैं। ये क्या करता है, ये दोनों डेट का डिफरेंस जो है वो बताता है मंथ्स फॉर्मेट में। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोग मंथ्स बिटवीन, मेरा अपना डेट ऑफ बर्थ 6 जून 1988 दिए हैं और एक 6 नवंबर 1988 दिए हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 नवंबर 1988 यहाँ पे आया था। इसमें हम लोग 5 महीना क्या किए थे, ऐड किए थे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस 6 जून 1988 और 6 नवंबर 1988 के बीच में मंथ्स बिटवीन, कितना मंथ्स का डिफरेंस है दोनों डेट में, तो यहाँ आउटपुट में मिल रहा है हम लोग को 5। यानी ये दोनों डेट में 5 महीना का अंतर है। उसके बाद यहाँ पे एक और डेट फंक्शन है, नेक्स्ट डे, और यहाँ पे हम लोग डेट देते हैं और ये डे देते हैं, डे DAY डे, मंडे ट्यूसडे या कोई इस तरह का डे देते हैं। तो यहाँ डेट जो रहता है उस डेट में देखेगा, उस इस डेट के बाद में ये जो यहाँ पे डे दिए हैं मंडे किस डेट को है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट गिव्स डेट, यानी ये आउटपुट करता है डेट जो डे आता है अगली बार। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग डेट दिए हैं 6 जून 1988 और फिर मंडे, यानी 6 जून 1988 के बाद में मंडे कब आएगा वही डेट इसका आंसर होगा। जैसे 6 जून के बाद मंडे आएगा 13 जून को, 88 को, और आउटपुट में मिला है हमको 13 जून 1988। उसी तरह यहाँ पे टू डेट है और यहाँ पे स्ट्रिंग देते हैं। इस टू डेट फंक्शन जो कि डेट फंक्शन है, इसका यूज करके हम लोग कोई भी स्ट्रिंग को हम लोग डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका यूज मेनली हम लोग इंसर्ट क्वेरी में यूज करते हैं, इसलिए आप देख सकते हैं इंसर्ट इन टू डेट वैल्यूज, और यहाँ पे हम लोग कुणाल दे रहे हैं। ये डेट मेरा जो है वो कोई टेबल है और उसमें हम लोग कुणाल दे रहे हैं और फिर टू डेट दे रहे हैं और ये डे दे रहे हैं। टू डेट में देखिए हम लोग ईयर पहले दे रहे हैं, फिर मंथ दे रहे हैं और फिर डे दे रहे हैं, तो पहले ईयर है इसलिए हम लोग फॉर्मेट यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं, टू कैर फॉर्मेट। पहले हम लोग YY दे रहे हैं यानी ईयर दे रहे हैं, फिर मंथ दे रहे हैं MON दे रहे हैं, और फिर DD मतलब डेट दे रहे हैं, और जब ही हम लोग इंटर करेंगे इसको टाइप करने के बाद, ये डेट नाम का टेबल में ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा। और ओरेकल इस स्ट्रिंग को 87 ईयर फिर जनवरी और 01 को वो डेट में ऑटोमेटिकली इंटरनली कन्वर्ट कर लेगा। और इस तरह के क्वेरी को हम लोग पिछले वीडियो में रन करके देख चुके हैं। यहाँ पे एक और फंक्शन है डेट फंक्शन जो कि है न्यू टाइम। ये क्या करता है, इस डेट को इस जोन से इस जोन में कन्वर्ट करता है। यानी मान लीजिए ये IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो हम लोग UST में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ये डेट IST का जो है वो UST में क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं AST डेट को, मतलब ये जो 6 जून 1988 जो है AST फॉर्मेट, उसको CST में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या उसका डेट होगा, तो यहाँ 6 जून 1988 जो है वहाँ पे 5 जून 1988 हमको आउटपुट में मिल रहा है। चलिए
अब हम लोग इसको SQL कमांड लाइन पे रन करके देखते हैं। सबसे पहले चलिए हम लोग एड मॉन्थ्स को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे मेरा SQL कमांड लाइन है। अभी चलिए हम लोग यहाँ पे डुअल टेबल से यूज करते हैं इसको, सेलेक्ट एड मॉन्थ्स, और फिर यहाँ पे हम लोग डेट देते हैं 6 जून, और 88 देते हैं, और इसमें 5 महीना ऐड करते हैं, और यहाँ पे देते हैं फ्रॉम डुअल, और आप देख सकते हैं आंसर में हमको मिल रहा है 6 नवंबर 88, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी चलिए हम लोग लास्ट डे देखते हैं, सेलेक्ट लास्ट डे, और फिर यहाँ पे हम लोग दे देंगे 6 JUN और 88, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम ड्यूअल टेबल, और ये इस महीना का जो लास्ट डे है वो आउटपुट में आपको देगा। फिर मंथ्स बिटवीन हम लोग देखते हैं, इसके लिए हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट मंथ्स बिटवीन, और फिर यहाँ पे हम लोग देते हैं पहला महीना, पहला डेट 6 June 88, और फिर अगला जो डेट है 6 November और 88 देते हैं, और फ्रॉम ड्यूअल टेबल का नाम देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे -5 आ रहा है, यानी 5 महीना का दोनों डेट में डिफरेंस है। फिर चलिए नेक्स्ट डे का यूज करते हैं। नेक्स्ट डे के लिए हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट नेक्स्ट डे, और यहाँ पे 06, फिर JUN और 88, और इसमें मंडे किस दिन आएगा वो हम लोग देखना चाहते हैं, किस डेट को मंडे आएगा फ्रॉम ड्यूअल, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर में 13 जून 88 को अगला मंडे आएगा। फिर चलिए हम लोग न्यू टाइम जो है वो देखते हैं, हम लोग एक जोन से दूसरे जोन में जो कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए हम लोग सेलेक्ट लिखते हैं, और यहाँ पे न्यू अंडरस्कोर टाइम, और एक नया डेट देते हैं जो डेट 6 June 88 है, जो कि IST, इसको हम लोग UST में कन्वर्ट करते हैं UST, और इसको फ्रॉम ड्यूअल कर देते हैं, और इंटर कीजिए, और यहाँ पे IST जो है वो लिख रहा है कि नॉट अ वैलिड टाइम जोन। एक्चुअल में जो IST है वो रजिस्टर्ड टाइम जोन नहीं है, इसलिए IST के जगह पे हम लोग GMT ग्रीनविच मीन टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे UST भी वैलिड नहीं है, इसलिए UST के जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं AST या फिर BST। यहाँ पे BST करते हैं, और फिर आप देख सकते हैं आउटपुट में मिल रहा है हमको BST टाइम फॉर्मेट भी, यानी एक जोन से दूसरे जोन में हम लोग टाइम कन्वर्ट कर पा रहे हैं न्यू टाइम डेट फंक्शन का यूज़ करके। और यहाँ पे हम लोग जो टू डेट है जिसमें हम लोग स्ट्रिंग पास करते हैं, ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़े डेट फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं ओरेकल में। उम्मीद करते हैं आप ये एड मंथ्स, लास्ट डे, मंथ्स बिटवीन, नेक्स्ट डे, टू डेट और न्यू टाइम, जो कि डेट फंक्शंस हैं, इसको आप समझ गए होंगे। थैंक यू।